कलमाड़ी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए 20 फरवरी की तारीख नियत की। सॉलिसिटर जनरल रोइंगटन एफ नरीमन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने 23 जुलाई 2011 को गोपाल सुब्रमण्यम के इस्तीफे के बाद ली थी ये जिम्मेदारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने संबंधी अध्यादेश पर किए दस्तखत। गृह मामले पर संसद की स्थायी समिति आज करेगी जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर गौर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में पृथक तेलंगाना के मसले पर कांग्रेसी नेताओं से की मुलाकात। कर्नाटक में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है। राज्य में 13 भाजपा विधायकों के इस्तीफे के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शेट्टार ने एक बार फिर सरकार को किसी भी खतरे से इंकार किया है। शेयर बाजार का सेंसेक्स आज करीब 121 अंक की तेजी के साथ 19,903 पर खुला। निफ्टी भी 40 अंक की बढ़त के साथ 6,038.50 पर खुला। सतत पूंजी प्रवाह के बीच निर्यातकों द्वारा डॉलर की बिकवाली से रुपया आज अमेरिकी करेंसी के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 3.5 महीने के उच्च स्तर 52.93 पर खुला। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 53.19 रुपए पर बंद हुआ था। अफगान शांति वार्ता पर विचार विमर्श के लिए आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन में होगी वार्ता। इस वार्ता की अगुवाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी करेंगे इसमें शिरकत। करीब 2 साल से राजनीतिक संकट और हिंसा से जूझ रहे सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने इसराइल पर अपने देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। असद ने कहा कि सीरिया किसी भी हमले का जवाब देने में है सक्षम। अफ्रीकी देश माली में अलकायदा आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने रविवार को सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में हवाई हमले कर किदल के गढ़ पर बनाई मजबूत पकड़। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ओर से 2 दिवसीय वार्ता के प्रस्ताव के विश्वसनीय होने पर वो इसमें शामिल होने के लिए है तैयार। ईरान और दुनिया के 6 प्रमुख देशों के बीच प्रस्तावित वार्ता कजाकिस्तान में होने वाली है। दिल्ली वेव राइडर्स ने हॉकी इंडिया लीग में अपने शानदार खेल का एक और नमूना पेश करते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश विजार्ड को 3-0 से हराकर अपनी जीत के अभियान को रखा बरकरार। जर्मन सॉकर लीग में रविवार को खेले गए मैच में बोरुसिया डॉर्टमुंड ने ब्रेन रिवल कुसेन को 3-2 से हराया। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में पहुंची डॉर्टमुंड की ये लगातार 4थी जीत है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आज दुनिया भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। देश में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी खासा जोर।